मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सहजनवा के मुरारी इंटर कॉलेज में 83.65 करोड़ से अधिक लागत की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने शहीद स्मारक डोहरिया कला का सौंदर्यकरण एवं विकास कार्य, जैतपुर बोक्टा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़करण, महामाया आईटी पॉलिटेक्निक हरिहरपुर सीट स्टोर नगर पंचायत संग्रामपुर ग्राम तिघरा में तालाब का सौंदर्यकरण एवं ग्राम रुदाइन उर्फ मजगांव में राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने तहसील बांसगांव, तहसील सहजनवा में अधिवक्ता चैंबर गीडा में नया थाना भवन, आईटीआई खजनी एवं आईटीआई बांसगांव में कार्यशालाओं, थ्योरी कक्षों एवं अन्य निर्माण कार्य, गगहा गजपुर में नगवा नर्रे में 1 से 8 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़करण का कार्य, उरुआ बाजार में चचई राम मठ का सौंदर्यकरण एवं पर्यटन विकास के कार्यों का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर आमजन को बधाई देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं का लाभ सभी को मिलेगा। अधिवक्ता चैंबर के निर्माण से अधिवक्तागढ़ को सुविधा होगी तथा गरीबों को न्याय दिलाने के लिए अच्छा माध्यम होगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता स्वामित्व योजना एवं पैमाइश योजना का लाभ आमजन को दिलाने के लिए अपनी पूरी क्षमता एवं ऊर्जा का प्रयोग करें और समाज के निचले तबके को इसका लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि सहजनवा विधानसभा में पूर्व में उनवल उर्फ कस्बा संग्रामपुर को नगर पंचायत बनाया गया था, अब घघसरा को भी नगर पंचायत बनाया जाएगा जिससे वहां पर तेजी से विकास होगा। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच से ही विकास हो रहा है, सड़कों को तेजी से ठीक कराया जा रहा है, 4 लेन बनाया जा रहा है जिससे आमजन को सुविधा होगी और उनके समय, श्रम तथा ईंधन की बचत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का उद्देश्य गरीबों के चेहरे पर खुशहाली लाना है, गांव तक विकास की योजनाओं को पहुंचाना, नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ना और हर एक नागरिक के लिए न्याय को सरल एवं सुलभ बनाने की दिशा में सरकार और भी प्रभावी कदम उठा सके, इसलिए सभी कार्यक्रम एवं अभियान चलाए जा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से इस क्षेत्र को जोड़ा जा रहा है, औद्योगिक इकाइयों का गठन किया जा रहा है जिससे उद्योग लगेगा और रोजगार सृजन होगा और लोग पलायन नहीं करेंगे। एक्सप्रेसवे बनने से गोरखपुर में ही लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के इस दौर में अभी सावधानी की आवश्यकता है, हमें अपने लिए नहीं देश समाज के लिए सोचना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। विगत 6 वर्षों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की तस्वीरें बदल दी है। प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, आयुष्मान भारत योजना में, स्वास्थ्य बीमा, उज्ज्वला योजना में, रसोई गैस, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आदि योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। विकास का कार्य तेजी से हो रहा है, इसका उदाहरण देख सकते हैं। आज शहीद स्मारक डोहरिया कला के कार्य का लोकार्पण भी हुआ है। सन 1942 में डोहरिया कला में भारत छोड़ो आंदोलन में क्रांतिकारियों ने क्रांति का अलग जगाने का कार्य किया था। क्रांतिकारियों के बलिदान हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि विकास की प्रक्रिया के साथ साथ तालाब, शहीद स्मारक, अधिवक्ता भवन आदि का निर्माण भी हो रहा है। विकास सभी जगहों पर सामान्य रूप से बिना भेदभाव के पहुंच रहा है। उन्होंने आम जन से अपील किया कि विकास की इस प्रक्रिया से जुड़कर विकास की गति को और बढ़ाएं। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास के सभी कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किए जाएं, इससे किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, विधायक सहजनवा शीतल पांडे, विधायक खजनी संत प्रसाद सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र के विकास के बारे में संबोधित किया। इस अवसर पर विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। अरे बाबू दरोगा जी, कब ने बुनैया बबलू की ले आईया, चल कलिया पर मुख्यमंत्री जी का के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए और हम सब आज 9 वर्ष के अवसर पर महाराज जी को, तब तक महाराज जी कुछ न कुछ योजना स्वयं बना करके कुछ लोकप्रिय सांसद माननीय श्री रवि किशन जी हम सबके बीच में हैं।
हम सहजनवा की जनता हम लोगों के बीच में यही के सम्मानित गोरखपुर माटी के लाल हम लोगों के बड़े भाई प्रदेश संयोजक पंचायती प्रकोष्ठ राज्यसभा बनने के बाद पहली बार हो गया। मेरे साथियों आज विभिन्न योजनाओं का आज परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जो आज आपके गोरखपुर के कई बार इस मन से कहना चाहता हूँ आपको विश्वास होना चाहिए कि पूरे देश में तो आप लोग भी हमारा साथ देंगे। एक बार पुनः आप सभी आए हुए साधनवा विधानसभा के की महाराज जी हम सबके बीच में उपस्थित हो रहे हैं। महाराज जी आप सबके बीच में भी चंद मिनटों में बोले भारत माता की योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वागत है भाई स्वागत है योगी जी का स्वागत है स्वागत है भाई भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू युवा वाहिनी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद पांडे जी से निवेदन करूंगा विधायक जी से कि आप सागरवा में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अनंतपुर हरपुर में आपने एक आश्रम पंथक का विद्यालय दिया हरदी में एक राजकीय पॉलिटेक्निक स्कूल दिया आपकी गरीबी बाकी बारिश हो रही है कि पिपरौली के लोग भी अब ताली बजा करके मांग कर रहे हैं आपसे कि पिपरौली बाजार जहां पीतल और तांबे का बर्तन लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं
ये खदनीय विधानसभा ऐसी है जहाँ अवसर पर मैं इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ, जय श्री राम। पार्वती पते दोनों हाथ उठा ला, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम पूज्य पीठाधीश्वर गोरखनाथ के अद्भुत अद्भुतम अद्भुतास उत्तर प्रदेश के मुखिया और हम जिनकर फैन हो गए थे, हमारे पूज्य महाराज जी। देखा फैन बहुत कम लोग होता है किसी का, आप लोग हमारा फैन हुआ, हम इनके फैन। मंचासीन हमारे सब विधायक गण के प्रणाम करब, कहें कि महाराज जी का हेलीकॉप्टर 5 बजे से पहले लखनऊ पहुंचे के बाद तो 2 मिनट 1.5 मिनट में हम वाणी को विराम देते हैं। सबको प्रणाम, किसी को बुरा ना लगे, सबका नाम ना ले, एक साथ प्रणाम। मेरे सारे सांसद गण, विधायक गण, जितना भी हिंदू युवा वाणी, भारतीय जनता पार्टी, मीडिया बंधु, सब लोगों के प्रणाम करब। और 2 मिनट में अधिवक्ता बंधु लोग सब बैठल, बड़ा बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, लोग को मिल गया सब। और हर जगह कलेक्ट्रेट के को भवन मिलता हो, जहां जाति काल सिंह के साथ घूमते ही हर जगह एक भवन, एक इमारत कि न्याय मिलना है। जब न्याय लेने को आता है गरीब गुरबा माई बहन बैठल वाली भेजा, तो एक खपरेल के अंदर एक अधिवक्ता बैठता है तो मन ऐसे, हम भी जब जौनपुर के राकत में रहे तो ऐसे लगी का हो खपरेल में बैठल बाड़न हमके न्याय दिए कि नहीं। पानी चुवता घामे में बैठल बाड़न, पसीना बा बगल से पसीना लौकता, वो अधिवक्ता हमको न्याय दे पाएगा? ये सोच हमारे पूज्य महाराज जी को इतनी बारीक सोच जैसे मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की रहती है, बारीक सोच आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के दर्द को यहां मंच पर बैठकर महसूस करना, ये पूज्य महाराज जी कर सकते हैं। केवल अधिवक्ता कहां बैठी हैं, एगो इमारत चाहिए कि वहां बैठे लोग न्याय के लिए जाए तो लगे कि न्याय मिलेगा। वो सम्मान हर कलेक्ट्रेट में होता, वो सम्मान किसान खातिर बा, उसके सम्मान हर बिरादर खातिर बा। कौनो जात बिरादरी को ध्वस्त कर दिए महाराज जी, कोई जात बिरादर नहीं, संभाव सबको एक योजना, सबको मकान, सबको शौचालय, सबको निधि में अकाउंट, सबका कोरोना टेस्ट, सबको मेडिकल का पैसा, हर आदमी के लिए खाली इनके काम में बात पहुंचे के चाहिए। अभी हर से अगल बगल में सजनवा में देख रहा है, ऐसे लगा था नोएडा में घूम रहे हैं, सड़किया देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कला हम हर शूटिंग करे लगी और करब हो शूटिंग जा। महाराज जी का हाथ कपारे चढ़ गई बात, पार्लियामेंट में हम गरज रहे हैं इनके कृपा से, लग रहा है हमसे सब लोग कोई बात नहीं, लेकिन महाराज जी जैसे बोलना कि फिल्म सिटी यहरा बनी, रवि किशन लाखों पैदा होंगे यहाँ पर, अब किसी को जाना नहीं पड़ेगा, अब किसी को अपमानित नहीं होना पड़ेगा। तो हमारे आंख में आंसू छलक गए लोग, मेरे कई सालों का सपना था, महाराज जी सोचत आड़न, अनगिनत योजना बा, काका बाटे कुल देखत आड़ा, सब कुछ मालूम बा, सब ने बता दिया। बस यह बात को याद रखना, एक ऐसे योगी, ऐसे एक निरंतर त्यागी जो 24 घंटा मेरे राज्य में क्या हो रहा है, मेरे पूर्वांचल में क्या हो रहा है, मेरे गोरखपुर में क्या हो रहा है, यह गोरखपुर में भटकल वाड़न, महाराज जी को गांव 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 का हर प्रधान, गांव का हर बूथ का कार्यकर्ता का नाम याद है, एक एक गली याद है, इतना घूमे हैं, इतना आंदोलन किए हैं, अब महाराज जी मुख्यमंत्री बने तो काहे ना दिया हो। अभी लग कितना लोगे, थक जाओगे आप लोग ले लेके। बस यह याद रखिया बाबू कि किसी को कुछ दो निस्वार्थ त्यागी आए, हम लोग धन्य हो गए। 2014 में प्रधानमंत्री है जीवित हो गए हम लोग, और 2017 में भगवान महादेव उनके देख गए, इनके भेद चरण, और हम लोग जी गए। मैं तो लूट लिया था लुटेरे लोगों ने, लूट लिया था दरिद्र उत्तर प्रदेश, बना दिया था लोगों ने, अपना महल बनाए थे,
अपना वंशवाद किए थे, बड़ा बड़ा गाड़ी लेके घूमते थे, इनका फॉरेन में लैंड है, ये लोग का प्रॉपर्टी है पूरा विश्व में, कुछ ना बा हमारे महाराज जी के पास, कुछ ना ही बा हो। वह टोपी वाले के बारे में बोला, उकाल का कारण इतना महाराज जी से लोग परेशान हो गए हैं कि हर 2022 में लगातार कहा कारण हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लेंगे। जैसे नहीं लड़का बच्चा लग हम तो हर चॉकलेट ना ले। अरे वैज्ञानिक लोग ने मेहनत किया है, डॉक्टर लोग ने सब भाई मेहनत किया है, पूरा देश प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी जी झोंक दिए, प्रधानमंत्री बार बार जाके वहां चेक कर रहे थे वैक्सीन कैसा बनेगा। वो बीजेपी का वैक्सीन नहीं है, हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है, हमारे डॉक्टरों की मेहनत है। बीजेपी का भय, महाराज जी का भय, 2022 का भय। अरे महाराज जी मुख्यमंत्री फिर बन रहे हैं, पूरा हारा हारा महादेव। सभी योजनाओं को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर कानून व्यवस्था और विकास की किरण फैलाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से मैं निवेदन दी, मुख्यमंत्री द्वारा बटन दबाकर शिलान्यास उद्घाटन किया जा रहा है। हम अपने आज के कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, तथा हमारे इस क्षेत्र से विधायक श्री शीतल पांडे जी, विधायक खजनी श्री संत प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री अश्विनी त्रिपाठी जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री प्रदीप शुक्ल जी, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री रामजियान मोरे जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमाकांत उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रमेश सिंह जी, डॉक्टर आरडी सिंह जी, श्री छोटेलाल मौर्य जी, सत्यव्रत त्रिपाठी जी, ब्रह्मानंद शुक्ल जी, मनोज सिंह जी, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, राम प्रकाश शुक्ल जी, सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी, रामपाल सिंह जी, उदय भान सिंह जी, नरेंद्र शुक्ल जी, परशुराम शुक्ल जी, गोपाल गुप्ता जी, लालजी यादव जी, प्रभाकर सिंह जी और सत्य प्रकाश सिंह जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सहजनवा तहसील बार एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी अधिवक्तागण, सहजनवा के सभी हमारे व्यापारी नेतागण और इतनी बड़ी संख्या में सहजनवा विधानसभा क्षेत्र खजनी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ अधिवक्ताओं के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी, गांव के लिए भी, गरीब के लिए भी, नौजवान के लिए भी, इतनी योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सहजनवा खजनी बांसगांव संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, यहां के जनप्रतिनिधियों को योजनाओं को उठाने के लिए धन्यवाद देता हूं और आप सबका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। वास्तव में एक गरीब को न्याय देने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वह है अधिवक्ता। जब अपनों से हताश और निराश हो जाता है तो एक अधिवक्ता के पास जाता है और अधिवक्ता के पास जाकर के घर से इस विश्वास के साथ निकलता है कि मैं जाऊंगा अधिवक्ता मुझे न्याय दिला देगा। लेकिन जिन स्थितियों में अधिवक्ता को रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है वे स्थितियां अत्यंत विषम होती हैं। उन स्थितियों में उसका विश्वास खंडित होता है और इसलिए सरकार ने इस बात को कहा है
तहसील एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है, खासतौर पर राजस्व से जुड़े हुए मामलों के निस्तारण करने के लिए, जो वरासत का है, पैमाइश का है, या अन्य तमाम एक गरीब से जुड़े हुए, एक सामान्य किसान से जुड़े हुए, एक सामान्य नागरिक से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए। और ये अधिवक्ता चैम्बर्स का निर्माण सहजनवा तहसील में और बांसनौ तहसील में एक साथ प्रारंभ करने की आज की इस कार्य योजना के अवसर पर मैं दोनों तहसील बार एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी अधिवक्ताओं को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ। ये सभी लोग जनता को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करेंगे। खासतौर पर वर्तमान में पैमाइश वरासत का एक विशेष अभियान चल रहा है, स्वामित्व योजना का लाभ हर एक नागरिक को उपलब्ध कराने, और आने वाले समय में हम पैमाइश का भी एक विशेष अभियान चलाने वाले हैं। इस सभी अभियानों का लाभ एक सामान्य नागरिक को प्राप्त हो सके, उसे भटकना ना पड़े, इसके लिए आप सभी लोग अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता का उपयोग करके कार्य कर पाएंगे, इस विश्वास के साथ आज मैं अधिवक्ता चैम्बर का शिलान्यास इन दोनों तहसीलों के लिए कर रहा हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है और यहाँ के अधिवक्ता बंधुओं को ये सब समर्पित करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूँ। सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में पिछले वर्ष हम लोगों ने कस्बा संग्रामपुर यानी उर्वर को टाउन एरिया बनाया था, आज जो विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ जोड़ रहा है, और अब घटसरा भी एक नई टाउन एरिया के रूप में, घटसरा भी विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ेगी, जैसे सहजनवा विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ जुड़ा है, ऐसे ही घटसरा बाजार में भी होगा। और धीरे धीरे के उन सभी जगहों को हम लोग लेने जा रहे हैं जो विकास से पिछड़ गए थे, वंचित रह गए थे। मानक जैसे पूरा करेंगे, सरकार पैसा देकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देगी। सड़कों की स्थिति आप देख रहे होंगे, पहले से व्यापक सुधार हुआ है। अब यहां सहजनवा के लोगों को या खजनी के लोगों को या बांसगांव के लोगों को अगर सीधे उनको महाराजगंज या नेपाल की तरफ जाना है तो गोरखपुर नगर के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं, कालेसर से ही आप मुड़ करके सीधे 4 लेन का आनंद लीजिए, सीधे सहजनवा से बैठिए और वहां पहुंच जाएंगे। ये सुविधा इसलिए दी गई है जिससे समय की बचत हो, श्रम की बचत हो और डीजल पेट्रोल की भी बचत हो। हम एक एक क्षण की कीमत का उपयोग कर सकें। सहजनवा से घक्सरा होते हुए जो कार जो मार्ग बखेरा के लिए गया है, इसका निर्माण और चौड़ीकरण इसीलिए किया गया इससे लोगों के आवागमन को और सरल किया जा सके। आज एक इंटर कॉलेज का भी लोकार्पण हो रहा है, एक पॉलिटेक्निक के कार्यों का भी लोकार्पण हो रहा है, कुछ आईटीआई है उनके कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं, ढेर सारी अन्य योजनाएं हैं। इन सब का उद्देश्य एक ही है और वह है एक गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाना, गांव तक विकास की योजनाओं को पहुंचाना, नौजवानों के हाथों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ना और हर एक नागरिक के लिए न्याय को सरल और भी सुलभ बनाने के दिशा में सरकार प्रभावी कदम उठा सके, इसी के लिए सारे के सारे कार्यक्रम और अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन विकास के लिए एक सकारात्मक सोच चाहिए। अक्सर होता क्या है, हम विकास को चाहते हैं लेकिन विकास इस आधार पर चाहते हैं कि मेरे बगल मेरे पड़ोसी का तो उजड़े लेकिन मैंने जो अतिक्रमण किया है ये ना उजड़े, ऐसे में विकास नहीं हो सकता। आज आप जाइए गोरखपुर में, वो सड़कें जो चौड़ी हो रही हैं, पहले सिंगल लेन की थी, दिन भर लोग जाम में फंसे रहते थे, आज उसको 4 लेन का बनाया जा रहा है और कभी जाम लगेगा ही नहीं, कहीं से नहीं कहीं तक जा सकते हैं, लाखों लोग सड़कों पर आएंगे तो भी सड़क जाम नहीं होगा, ये स्थिति ये सरकार की सोच है। हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को इसीलिए जोड़ रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस को बेलघाट से खजनी सिकरीगंज होते हुए, सिकरीगंज खजनी होते हुए और सीधे जैतपुर के पास
लखनऊ गोरखपुर फोर लेन के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। इसमें औद्योगिक इकाइयों का गठन भी फोर लेन के चारों ओर करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। ये उद्योग लगेंगे, उद्योग लगने से रोजगार सृजन होगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, नौजवान पलायन नहीं करेगा। हम सब कोरोना को भी झेले हैं, आपके सहयोग से उत्तर प्रदेश में कोरोना काफी हद तक कंट्रोल हुआ है, लेकिन अभी सावधानी क्या हो सकता है। ये एक्सप्रेस वे जो बन रहा है गोरखपुर के लिए, विकास के साथ आपको जोड़ने के लिए और आपके परिवार के नौजवानों को गोरखपुर में ही नौकरी और रोजगार की संभावना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। बड़े बड़े उद्योग लगेंगे। हम कभी कभी उद्योगों का विरोध करते हैं, कहते हैं उद्योग नहीं लगना चाहिए, फिर रोजगार कहां से आएगा, नौकरी कहां से आएगी। यही गलती कभी वेस्ट बंगाल में लोगों ने किया था, आज वहां पे क्या है, बड़ी खराब स्थिति है। और जहां भी लोग इस नकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे विकास नहीं हो सकता है। विकास के लिए सकारात्मक सोच चाहिए, क्योंकि मैं अपने लिए ही नहीं बल्कि मुझे समाज के लिए सोचना है, प्रदेश के लिए सोचना है, देश के लिए सोचना है। और जब ये सोच हम सबके मन में आ जाएगी तो सोच विकास को और तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। हर एक क्षेत्र में विकास होता हुआ दिखाई देगा। विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, इच्छा शक्ति की कमी थी। पिछली सरकारें, यही प्रदेश है, वही तंत्र है, वही संसाधन है, अपना विकास कराती थी, प्रदेश का नहीं। जो विकास सहजनवा में हो रहा है वही खजनी में भी हो रहा है, वही गोरखपुर में, वही पिपराइच में, वही कैंपियरगंज में, वही पांच गांव में, हर जगह वही विकास हो रहा है, उसी तीव्र गति से चल रहा है। लेकिन अब विकास दिखाई देता है, पहले विकास दिखाई नहीं देता था, क्योंकि विकास का पैसा कुछ चंद लोगों की जेब में चला जाता था और चंद लोग अपने घर को बनाते थे, गरीब को बोलते थे कि प्राइमरी स्कूल में इनके बच्चे पढ़ें, वहां शिक्षक नहीं देते थे, विद्यालय भवन जर्जर रहता था, वहां पे हमेशा खतरा बना रहता था, और अपने बच्चों को कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाता था, कोई और जगह पढ़ाता था। ऑस्ट्रेलिया का खर्चा कहां से इनके पास आया, क्योंकि ये पैसा आपके विकास का पैसा लूट करके जो विदेशी बैंकों में जमा था ना, वही पैसा इनको विदेशों में पढ़ाने के लिए मिल जाता था। अपने बच्चों को इसलिए विदेशों में पढ़ाते थे, अब यहाँ गांव का बच्चा, गरीब का बच्चा, यहाँ का स्थानीय नागरिक अपने बच्चों को उन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए मजबूर होता था, जहां पे या तो स्कूल नहीं है, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो भवन जर्जर है और अव्यवस्था गंदगी सब रहती थी। आज आप देख रहे होंगे मोदी जी ने 6 वर्षों के अंदर पूरी तस्वीर बदल के रख दी। 6 वर्षों के अंदर ही हर नागरिक को आवास भी मिल रहा है, हर नागरिक को शौचालय दिया जा चुका है, विद्युत के कनेक्शन भी मिल रहे हैं, रसोई गैस का कनेक्शन भी मिल रहा है, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया जा रहा है, किसान सम्मान निधि भी दिया जा रहा है। विकास के कार्य द्रुत गति से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश तो वही, देश तो वही, केवल सरकार बदलने पर सोच बदल जाती है और वह सोच कैसे धरती पर दिखाई देती है, इसका उदाहरण इन सब कार्यों के माध्यम से हम लोग देख और समझ सकते हैं। और इसीलिए मैंने आप सबसे कहा एक सकारात्मक सोच हम सबके मन में आनी चाहिए। आज हम लोगों ने यहां पर डोहरिया कला के शहीद स्मारक के सुंदरीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया है। आप सब गौरवशाली हैं कि एक शहीद विधानसभा क्षेत्र में, शहीद स्थल जिस विधानसभा क्षेत्र में है उस विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डोहरिया के माध्यम से यहां के क्रांतिकारियों ने जो अलग जगाने का कार्य किया था, आज वह हम सब का आह्वान कर रहा है, निरंतर इस बात के लिए आह्वान कर रहा है कि देश के अंदर गुलामी इसलिए आई थी क्योंकि हम विभाजित थे,
बेमान और भ्रष्ट नेतृत्व जब होता है देश गुलाम होता है, कमजोर होता है, पिछड़ होता है। लेकिन देश के अंदर जब स्वाभिमानी और सख्त नेतृत्व होता है तो देश विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ जुड़ता हुआ आगे बढ़ता है। इन क्रांतिकारियों की प्रेरणा और इनका बलिदान हमको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये प्रेरणा जो वर्तमान और भावी पीढ़ी के जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकती है। ये विकास की प्रक्रिया उसी के साथ जुड़ी हुई है और उसी विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए ही आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विकास की प्रक्रियाओं के साथ हम लोगों ने कुछ स्थानों पर मंदिरों के तालाब और उन स्थलों के सुंदरीकरण की कार्य योजना को ली है, शहीद स्मारक से जुड़ी हुई कार्य योजनाओं को भी लिया है, अधिवक्ता चैम्बर्स के कार्यों को भी इसके साथ लिया है और मझगांव बांसगांव में एक इंटर कॉलेज के भी कार्य को पूरा करते हुए इसके लोकार्पण का कार्य भी आज यहाँ पर किया जा रहा है और साथ साथ शिलान्यास के क्रम में अधिवक्ता चैम्बर्स का शिलान्यास के साथ ही गीड़ा के पास एक नए थाने सुरक्षा की दृष्टि से एक नए थाने का भी शिलान्यास आज यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम सड़कों के सुंदरीकरण के कार्य योजना को भी आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है और मैं चाहूंगा कि जब विकास बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा हो, हम सबका दायित्व बनता है हम विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके उसे और तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य भी हम सबको मिलकर के करना चाहिए। क्योंकि जहां विकास होगा तमाम प्रकार के लोग तमाम प्रकार की बातें भी करेंगे, लेकिन मेरा प्रशासन से एक ही बात का कहना है कि कार्य समयबद्ध ढंग से हो, कार्य के मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए हो, हर हाल में किसी को भी कार्य के मानक के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं है, लेकिन साथ साथ समयबद्ध ढंग से उसको आगे बढ़ाया जाए। लेट नहीं होना चाहिए, आवश्यक देरी नहीं करनी चाहिए। जहां हम इस कार्य को विकास के साथ जोड़े वही साथ ही साथ इस बात को भी हम सुनिश्चित करें कि विकास के मार्ग में हमारे स्तर पर हमारे ग्राम पंचायत के स्तर पर किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा न हो। अगर हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने हर स्तर पर विकास की प्रक्रिया को सब आगे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से सहजनवा के अपने अधिवक्ताओं को, बांसगांव के अधिवक्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। सहजनवा विधानसभा क्षेत्र, खजनी विधानसभा क्षेत्र, बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। वे सभी विकास की प्रक्रिया के साथ तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने सांसद, अपने विधायकों को धन्यवाद दीजिए कि इनके कारण विकास आज आप तक पहुंच रहा है, इसका आनंद आप लोग सभी ले पा रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से विकास की इन परियोजनाओं को आपको देखते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए आप सभी सहजनवा विधानसभा क्षेत्र, खजनी विधानसभा क्षेत्र और बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह नव वर्ष विकास की प्रक्रिया के साथ हमें और तीव्र गति से आगे बढ़ाने में सहायक होगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।